इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हम किसी भी तरीके की केवाईसी प्रोवाइड करवाते हैं पेटीएम से, तो वहाँ पर इस तरीके से हमें लिखा हुआ था प्लीज़ वेट यू आर इन, यहाँ पर इस तरीके से आते हैं, या वी विल बी कंटिन्यू यू आर विद योर वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ आता है। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक खींच जाता है मामला, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ज़्यादा टाइम तक खींच जाता है तो हम बैक कर देते हैं, केवाईसी हमारी फिल्ड हो जाती है या नॉट कंप्लीट हो जाती है। अब हम होम पेज पर आते हैं। होम पेज पर आने के बाद सबसे पहले हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी चीज़ करें तो पैन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ वगैरह होनी चाहिए, कनेक्शन वगैरह ठीक होना चाहिए। अब टाइमिंग की बात कर लें। देखिए, टाइमिंग में आप अगर 6-7 बजे के बीच में करते हैं तो हाई ट्रैफिक रहता है उस सिचुएशन में, और ध्यान रखें कि रोशनी अच्छी खासी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका फेस ब्लर वलर वगैरह हो। और पैन कार्ड वगैरह की डिटेल सब अपने पास रखिए। अब यहाँ पर आप दोबारा इसको बैंक को सर्च करिए, पेमेंट्स बैंक को, और उसके बाद यह जाएगा, फिर कंटिन्यू करें। केवाईसी पेंडिंग में होगी तो उसे दोबारा कंप्लीट करें, और फिर यहाँ पर इसे अपग्रेड योर अकाउंट पर टिक करें। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रोसीड पर टिक करना है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पर आप डोर स्टेप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर प्रोसीड करेंगे हम, क्योंकि हमारा मेन इश्यू है। अब यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए टाइम अच्छा खासा आपको रखना है, और उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएंगे। 3-4 मिनट में हमारी KYC हो जाएगी अगर हम टाइम ठीक से रखते हैं। अगर हम गलत टाइम रखें तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और उसके बाद भी टाइम रिक्वायर्ड मांग सकता है। तो ये चीज़ रहती है इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ पर आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।